भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को शहर के सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ कई मुद्दों पर शहर के बुद्धिजीवी और समाजसेवियों से चर्चा की। डीएम ने प्रशासन के द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ जगह जगह लगे तमाम ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से एक्टिव करने की बात कही। इस दौरान लोगों ने जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना करते हुए हर स्तर पर सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में जिलाधिकारी के अलावा परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन समेत कई विभागों के पदाधिकारी और शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी का स्वागत अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर किया। उसके बाद इन लोगों से इनपुट लेते हैं और सहयोग हम मांगेंगे कि इसमें और क्या सभी लोगों का सहयोग हो ताकि हम शहर को और जिले को बेहतर बना सकें। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल इकाई द्वारा शहर में आज पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा स्टेशन चौक से होकर समाहरणालय परिसर पहुंची और रैली के दौरान आरजेडी कार्यकर्ता आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे के स्लोगन पर तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते दिखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, खेल में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू करने एवं अन्य जनकल्याणकारी कामों के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया। पदयात्रा में राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष अमर यादव सहित राजद के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदयात्रा हम लोग तेजस्वी जी को धन्यवाद देने के लिए किए, वो इसलिए कि तेजस्वी जी के कार्यकाल जो 17 महीना का हुआ, 17 महीना में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करने वाला 1,20,000 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति, दूसरा स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, तालीमी मरकज, स्वयं सहायता समूह, आशा और सभी लोगों का वेतन को दुगुना करना, और जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई थे लाठी खाते खाते 17 साल में जो एनडीए की सरकार थी जो आज फिर बनी है, लाठी खाते खाते उसका पीठ में दाग उठ गया था, उन सभी शिक्षक भाइयों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाया। ऐसे शहर में वाटर ड्रेनेज का व्यवस्था करवाया। इतनी अच्छी एक सरकार, लोकप्रिय सरकार चल रही थी महागठबंधन का, और इस बीच में पूरे विश्व में जो आज हंसी के पात्र हो रहे हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे विश्व में हंसी का पात्र बन रहे हैं। ये बार बार पलटी मारते हैं, दूसरे प्रदेशों में इसका नाम पलटू राम के तरह कहने लगा। इसलिए आज हम लोगों ने एक लोकप्रिय जो सरकार था, जो गरीबों की सरकार था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सरकार था, वैसे सरकार को आज गिराने का काम किया नीतीश कुमार ने। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर बगीचे से रविवार को 5 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया। मृत बच्ची की पहचान गणगणिया फतेहपुर निवासी रूदल मांझी की पुत्री पायल कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि बच्ची एक दिन पूर्व से ही लापता थी। शनिवार को बच्ची अपने चाचा के साथ बिस्कुट लेने के लिए दुकान पर गई थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। घटना के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की तो पायल का शव दूसरे दिन भट्टे के करीब बगीचे में छत विछत अवस्था में बरामद हुआ। मृतका की माँ सुनीता देवी ने बताया कि रिश्ते से बच्ची के चचेरे चाचा 2 दिन पूर्व उनके घर आए थे। इसके बाद वो रात में खाना खाकर घर पर ही रुके और दूसरे दिन भट्टा पर आकर बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने उसे लेकर गायब हो गए। परिजनों ने मृत बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिए जाने की आशंका जताई है। मृतका की माँ ने बताया कि आरोपी चाचा की उनकी बेटी पर गलत निगाह थी, साक्ष्य छिपाने के ख्याल से बच्ची को बगीचे में जमा पत्तियों से जलाकर झुलसा दिया गया, जिससे कि शव की पहचान न हो सके। रात के वक्त जानवर गीदड़ द्वारा
शव को छत विछत कर दिया गया था। इसके बाद शव को पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। माँ सुनीता देवी ने बच्ची के हाथ में पहने हुए चूड़ी और कपड़े को देखकर शव की शिनाख्त की। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार सिंह ने घटनास्थल की छानबीन की। वहीं डीएसपी ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा हो पाएगा। फॉक्सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कमेटी की ओर से भागलपुर के छोटी खंजरपुर स्थित एक होटल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अनचाहे गर्भ, सुरक्षित गर्भपात, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, असुरक्षित गर्भपात और सुरक्षित चिकित्सा को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आम लोगों के बीच इन सभी विषयों पर जन जागरूकता फैलाने के लिए कमेटी के पदाधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी अपनी बात रखते हुए अनुभवों को भी साझा किया। इसको लेकर ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष और पॉक्सी एमटीपी कमेटी की मेंबर डॉक्टर रोमा यादव ने कहा कि समय समय पर कमेटी द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने, असुरक्षित गर्भपात रोकने, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई विषयों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित गर्भपात और अनचाहे गर्भ के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर बढ़ती है, जिसे रोकने के लिए चिकित्सकों के अलावा सामाजिक संगठनों और आम लोगों को भी जागरूक होकर प्रयास करना होगा। कार्यशाला में चिकित्सकों ने कहा कि असुरक्षित गर्भपात और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है। इस दौरान नेशनल फैकल्टी मेंबर एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी अपने अनुभवों को साझा कर समाज में फैली कई तरह की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। मौके पर काफी संख्या में स्त्री रोग विशेषज्ञ, रोटरी लायंस एवं वी केयर समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत हिंदुस्तान का है, हम 8.144 बिलियन की आबादी है हमारी और अभी हम नंबर 1 पे हैं, तो हम कैसे इस पर कंट्रोल करेंगे? तो हमने एक जन जागरूकता अभियान चलाया है और उसमें दो हमारा उद्देश्य है, एक की माता की मृत्यु दर को कम करना और दूसरा इस बढ़ते पॉपुलेशन पर रोक लगाना। तो माता का मृत्यु दर हम कैसे कम कर सकेंगे कि आए दिन हमारे यहाँ अनसेफ एबॉर्शन होता है और सुरक्षित गर्भपात होता है, तो इसी पर हमने एक कार्यशाला आयोजित किया है अपने डॉक्टर्स के लिए और शहर के तमाम एनजीओज के लिए, कि मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, रोटरी क्लब और जीवन जागृति, और भी हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है ताकि हम समाज में एक मैसेज फैला सकें और आप लोगों के माध्यम से भी, कि एक तो हम सुरक्षित गर्भपात कैसे कर सकते हैं उस कंडीशन में जबकि हमको बच्चा नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पटना के ज्ञान भवन में 6 से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भागलपुर से 12 खिलाड़ी भाग लेंगे।
इस शतरंज प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से लगभग 800 प्रतिभागी भाग लेंगे और 40 निर्णायक उपस्थित रहेंगे। बता दें कि भागलपुर जिला शतरंज संघ की उपाध्यक्ष पिंकी बनर्जी इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाएंगी। राज्य शतरंज संघ के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भागलपुर के डिप्रो घोष, शौर्यराज, कृषिराज, आरव, एरिक, शिवम, साहिल, श्रेया, अर्पिता, सुधा एवं सुशांत का चयन किया गया है। वहीं जिला खेल अधिकारी जय नारायण एवं जिला शतरंज के मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर फारूक अली ने बताया कि भागलपुर में बढ़ रही खेलों की रुचि को देखते हुए प्रशासन भी कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियों से शतरंज को और भी नए आयाम तक पहुँचाया जाएगा। भागलपुर जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में विश्व कैंसर दिवस को लेकर सोमवार को निशुल्क कैंसर रोग स्क्रीनिंग सह परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के सौजन्य से शिविर में मौजूद सभी लोगों को कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी, DIO डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर पंकज मानश्वी समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने शिविर में हिस्सा लिया। वहीं ARM स्कूल की छात्राओं और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रोग स्क्रीनिंग सह परामर्श शिविर में लोगों को समय रहते इस बीमारी से बचाव और रोकथाम को लेकर भी जानकारियां दी गई। कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान कई लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिन्हें इलाज से संबंधित व बचाव के प्रति जागरूक किया गया। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के सभी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को लेकर सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सचिव के पाठक का विरोध किया। सभी शिक्षकों ने परीक्षा को लेकर घोर विरोध जताते हुए कहा कि परीक्षा देने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं, हम लोगों ने कभी माउस छुआ भी नहीं है और नए सिरे से परीक्षा कंप्यूटर एवं माउस से देने की बात कही जा रही है। इसीलिए सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है तो पटना जाकर चक्का जाम किया जाएगा। सभी शिक्षकों ने मिलकर 3 परीक्षा देने वाले फॉर्म को जलाकर KK पाठक के नियमों का विरोध किया। साथ ही बताया कि 10 फरवरी को सभी शिक्षक मशाल जुलूस निकालेंगे। एक नए मंच का जो निर्माण हुआ, बिहार के तमाम संगठनकर्ता एक होकर सरकार को एक चुनौती दिए हैं। आज यह पहला चरण चालू है, फिर कल तमाम बिहार के तमाम 38 जिला में तमाम संघीय पदधारक विभिन्न संगठनों का एक बैठक होगी। बैठक में निर्णय लेंगे कि अब हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़ना है और 10 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के गंगा घाट पर बन रहे शवदाह गृह पर सवाल उठने लगा है। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने इसको लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि बुटको कंपनी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है, बाढ़ के वक्त शवदाह गृह नाकाम हो जाएगी। 80 करोड़ रुपए की लागत से बन रही STP सुल्तानगंज शहर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। पिछले बाढ़ में देखा गया कि जनता नवनिर्मित शवदाह गृह का लाभ नहीं ले पाई और मजबूरी में गंगा घाट के ऊपर आम के बगीचे में लोगों को शवदाह करना पड़ा। इस परेशानी के निदान के लिए विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल एवं कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव से उचित जांच कर सही ढंग से शवदाह गृह का निर्माण करवाने की मांग की गई है। इस दौरान जनसंसद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि बिल्कुल नवनिर्मित शवदाह गृह के सटे पुनः शवदाह गृह बनाने का क्या औचित्य था, और जो शवदाह गृह बना भी है तो बाढ़ के समय में लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग आम बगीचा जो ईट भट्टा के पास है वहाँ पर बाढ़ के समय में शवदाह का काम करते हैं, तो इस चीज़ का भी जांच, निर्माण एजेंसी को इस चीज़ की भी जांच करनी चाहिए थी और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ पर सक्रिय होकर उनको सुझाव देना था कि बाढ़ के समय में उसका उपयोग लोग कर सकें। बांकामरपुर थाना के निवर्तमान थानाध्यक्ष विनोद कुमार को पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नम आंखों से विदाई दी।
विदाई व सम्मान समारोह में निवर्तमान थाना अध्यक्ष की आंखें नम हो गई। वहीं नए थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि अमरपुर में चोर छिनतई करने वाले लोग बालू माफिया व शराब तस्कर पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी, साथ ही जनता की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मौके पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव, SI पवन कुमार राम, दरोगा विक्की कुमार सहित कई पुलिसकर्मी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।